तो शंकरसिंह वाघेलानी कांग्रेस में री एंट्रीनो तख्तो तैयार छे। गम्मे ते घड़ीए शंकरसिंह वाघेला कांग्रेस में जोड़ाशे। शंकरसिंह वगर शर्ते कांग्रेस में जोड़ावा तैयार थई गया छे। भरतसिंह सोलंकी, शंकरसिंह वाघेला ने हाईकमांड वच्चे मध्यस्थी करी रह्या छे। सारू मुहूर्त जोई अने शंकरसिंह कांग्रेस नो खेस पहेरशे। शंकरसिंह सतत कांग्रेस में नेताओं साथे जोवा मळी रह्या छे। गईकाले भरतसिंहे राखेला यज्ञ में पण शंकरसिंह वाघेला सामिल थया हता। दीक्षित ठकरार संवाददाता अमारी साथे लाइव जोड्या छे। दीक्षित, कांग्रेस में री एंट्री नो प्लान घड़ाई चुक्यो छे अने शू लागी रह्यो छे, शंकरसिंह आ वखते कोई शर्त साथे जवाना छे के वगर शर्ते खेस पहेरी लेवाना छे कांग्रेस नो? निश्चित आगामी वर्ष में राज्य में देश में सौथी वधु राज्यों की चूंटणी योजावानी छे, परंतु बन्ने राजकीय मोटा पक्ष कांग्रेस और भाजप बन्ने नी नजर छे ते बे राज्यों पर महत्वनी रहेशे। एक उत्तर प्रदेश और बीजू गुजरात, कारण के आ बन्ने राज्यों एवा छे के ज्यांथी दिल्ली नो रस्तो छे ते खुले छे। उत्तर प्रदेश पण खूब मोटू रस्तो मोटू राज्य छे ने त्यांथी ज दिल्ली दरबार जवा माटेनो रस्तो खुले छे, तो गुजरात पण राजनेतानी अने खास राजकीय पक्ष माटेनी लेबोरेटरी तरीके जाणीतुं छे, कारण के नरेन्द्र मोदी ने अमित शाह आजे देशना मोटा नेता होय परंतु तेनो गुजरात छे त्यांथी तेवो आगळ आव्या, त्यारे गुजरात भाजप माटे हारवुं कोई पण भोगे छे ते शक्य नथी अने भाजपे मानशे पण नहीं। त्यारे कांग्रेस पण आ वखते लड़ी लेवाना मूड में है। शंकरसिंह वाघेला के जो 2017 में चूंटणी समय ज कांग्रेस तो दामन छोड़ी दीधो हतो, पोतानी पक्ष छे ते अलग बनाव्यो हतो, परंतु हवे शंकरसिंह वाघेला ने पण अफसोस थयो छे ने फरीथी बापू गमे ते घड़ीए कांग्रेस में री एंट्री करे तेवी शक्यताओ छे, ते नकारी शकाय नहीं। तख्तो घड़ाई गयो छे। अगाउ पण बीटीवी न्यूजे ते समाचार आप्या हता के भरतसिंह सोलंकी जे सतत शंकरसिंह वाघेला अने हाईकमांड वच्चे मध्यस्थी करी रह्या छे, कारण के क्यांक हाईकमांड पण नाराज हतुं, कारण के जीतेली बाजी कांग्रेसे 2017 में हती, परंतु शंकरसिंह वाघेला सहितना जे नेताओ छे धारासभ्यो छे ते तूट्या अने तेना कारणे क्यांक अहमद पटेल ने पण राज्यसभानी जीत जीतवा सीट छे ते जीतवा माटे अघरू पड्युं हतुं। तो 2017 में पण कांग्रेस सरकार बनावता रही गई, एटले के बहुमती खूब नजीक हती, परंतु शंकरसिंह जेवा दिग्गज नेताओए पार्टी छोड़ी अने जेनुं परिणाम ए आव्युं के नानकड़ा मार्जिन थी कांग्रेस दूर रही गई। त्यारे हवे हाईकमांड अने शंकरसिंह वच्चेनो तख्तो छे ते भरतसिंह घड़ी रह्या छे अने समाधानी फॉर्म्युला पण नक्की थई गई छे। शंकरसिंह वाघेलाए एक पण शर्त नहीं, एटले के कोई शर्त वगर कांग्रेसमां जोड़ावानी तैयारीओ छे ते दर्शावी छे, तो तेनी साथे ज शंकरसिंह बापू सतत कांग्रेसना कार्यकर्ताओ धारासभ्यो नेताओनो संपर्कमां छे। गईकाले भरतसिंह एक यज्ञ पण राख्यो हतो, तेमां पण शंकरसिंह बापू छे तो हाजर हता। तो ज्यारे सौराष्ट्रमां वावाझोडुं आव्युं त्यारे पण शंकरसिंह कांग्रेसना नेताओ साथे नजरे पड्या हता, कही शकाय के बापू छे ते हवे सारू मुहूर्त जोईने गमे ते घड़ीए कांग्रेसमां री एंट्री करशे। दीक्षित, सवाल ए छे शंकरसिंहनी एंट्री विषे तो आपणे चर्चा करी के गमे ते घड़ीए बापू एंट्री लेवाना छे, परंतु एंट्री लीधा बाद શું કોંગ્રેસમાં એક નવો જોમ પુરાશે કે પછી એક વિવાદ પણ ઊભો થઈ શકે? કારણ કે દીક્ષિત, જે રીતે બાપુએ કોંગ્રેસમાંથી વિદાય લીધી હતી, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કેવી સ્થિતિ હતી ને શું હતું, પરંતુ જો હવે શંકરસિંહ ફરી કોંગ્રેસમાં આવે છે તો એક આંતરિક વિવાદ હંમેશા કોંગ્રેસ માટે એક ચર્ચાનો વિષય રહ્યો છે, તો એ આંતરિક વિખવાદ ઊભો થશે કે પછી કોંગ્રેસને એક નવું જોમ મળશે આવનારી ચૂંટણી માટે? निश्चित, जो शंकरसिंह वाघेला एक एवं व्यक्तित्व है कि गुजरात की राजनीति में खूब मोटू नाम है, खूब मोटो चेहरो है, कारण के जे जनसंघ थी लईने गुजरात में भाजपना पाया नाखनार पण शंकरसिंह वाघेला हता, ने ત્યારબાદ ખજુરિયા હજુરિયા કાંડથી પણ ગુજરાતના તમામ લોકો પરિચિત છે, તો બાપુ છે તેને ના કહી શકે અથવા તો તેની સામે દલીલ કરી શકે તેવા કોંગ્રેસ અને ભાજપ બંને પક્ષના નેતાઓ નથી, એટલે કે અત્યાર સુધી ક્યાંક વિખવાદ પણ હતો, પરંતુ બાપુએ બાપુની ભૂલ હતી તે ભૂલ પણ બાપુએ સ્વીકારી અને મોટું મન રાખીને બાપુએ કોંગ્રેસના નેતાઓ સાથે વાતચીત પણ ચાલુ કરી। ભરતસિંહ સોલંકી હોય, અર્જુન મોઢવાડિયા હોય, શક્તિસિંહ ગોહિલ હોય, આ તમામ નેતાઓ છે જે ગુજરાત કોંગ્રેસના મોટા નેતાઓ છે, તેની સાથે શંકરસિંહ બાપુએ સતત વાતચીત કરી। પરેશ ધાનાણી, અમિત ચાવડા બંને યુવા નેતાઓ છે, તે નેતાઓ સાથે પણ બાપુએ વાતચીત ચાલુ કરી, એટલે કે નવું જોમ આવશે કે નહીં તે બીજા નંબરની વાત છે, પરંતુ હાલના ક્ષેત્રે કોઈ કકડાટ થાય તેવી શક્યતાઓ છે તે ખૂબ ઓછી દેખાય છે, કારણ કે કોંગ્રેસને પણ ખબર છે કે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી
सरकार बनावशू कोंग्रेस आवे छे आवा अलग सूत्र आया परंतु कोंग्रेस आवती नहीं त्यारे 2022 में कोंग्रेस ने लयावा माटे तमाम लोग एक थवू पड़से अने तेनी फॉर्म्युला छे ते घड़ाई रही छे अने तेना ज भाग रूपे हाईकमांडे जे रीते पंजाब नो जे इश्यू हतो ते पूरु कर्यो अने हवे राजस्थान नु कोकड़ो हाथ में लीधेलू छे। राजस्थान नु पूर्णता थवानी साथे ज गुजरात कोंग्रेस में पण जे विखवाद हता नवा नेताओनी निमणूक हती नवा प्रदेश अध्यक्ष नवा नेता विपक्षनी निमणूक हती ते पण पूर्ण थशे तो शंकरसिंह जेवा जे दिग्गज नेताओ छे ते पार्टी रीजॉइन करवा मांगे छे तेनु पण सारू मुहूर्त जोईने कोंग्रेस में जोड़वानो तकतो छे ते तैयार थई गयो छे एटले के हालना तबक्के निश्चित विखवाद खूब ओछो देखाय छे। बिल्कुल दीक्षित अपडेट लेता रहीशुं। धन्यवाद अमारी साथे जोड़ाव बदल।